हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीने सलूशन ट्वेंटी फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इक्वेशन दी है सर्कल की विच आर पैलर टू द लाइन आपको बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दी है एक्स स्क् प्लस वाई स्केयर इक्वल टू नाइन अगर मैं इसको ऐसे लिखू एक्स माइनस जीरो का स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्यर इज इक्वल टू तो थ्री स्क्र ठीक है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन होती है जिसमें आपके सेंटर के आगे जीरो जीरो ए एंड बी एक्स माइनस ए का स्क्वेयर वाई माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू तो आर स्क्वेयर ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल और रेडियस कितना आ गया आपका रेडियस आपके थ्री आ गया क्लियर अब आपको लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो बी थ्री एक्स प्लस फोर वाई कोई कॉन्स्टेंट टर्म ले लीजिए प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो क्योंकि वीनो दैट टू लाइंस आर पैरेलल अगर टू लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होते हैं इक्वल होते हैं क्लियर तो आपको फॉर्मूला अगर पता है मॉड ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल अंडर रूट इज इक्वल टू यहां पे होता है d या फिर डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस जैसे यहां पे कितना है सेंटर से सर्कल तक का तो कितना होगा वो r थ्री ठीक है r जो कि आपका कितना है थ्री है तो और जो आपके x1 y1 है वो आपके ये वाले है x1 और y1 तो पुट कर दीजिए और नेक्स्ट जो आपका ए और बी है तो वो ए बी आपका क्या है या तो ये ले लो या ए ले लो A, ये ले लो ए की बात है तो ए थ्री है बी फोर है और सी आपका लेमडा है तो डाल देते हैं थ्री जीरो तो जीरो ही हो जाएगा फोर जीरो प्लस लेमडा और थ्री का स्टर नाइन फोर का स्किया सिक्सटीन अंडर रूट इक्वल टू थ्री लैमडा ओवर ट्वेंटी फाइव हो गया ये फाइव आ जाएगा साथ में मॉड भी था क्लियर इक्वल टू थ्री मतलब लैमडा प्लस माइनस फिफ्टीन तो क्या आ जाएगी आपके पास एक आएगी आपकी यहां पुट करनी है आपको थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस लैमडा और एक आ जाएगी माइनस लैमडा जो कि आपका फिफ्टीन है इज इक्वल टू जीरो क्लियर तो एक ऑप्शन देख लीजिए कौन सी है ये है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है y की वैल्यू दी और dy वाई डी डी एक्स पूछा है सबसे पहले इसको ठीक करते थे हैं कैसे करेंगे ठीक y इज इक्वल टू वन ओवर ऐसे लिख सकती हूँ वन प्लस एक्स टू पावर ए एक्स रेस्टू पावर बी एक ही बात है प्लस एक्स टू पावर सी एक्स रेस्ट पावर बी सिमिलरली वन प्लस एक्स रेस टू पावर बी ओवर एक्स रेस टू पावर सी एक्स रेस टू पावर ओवर एक्स टू पावर सी प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स रेस टू पावर सी एक्सरेस्ट टू पावर ए प्लस एक्सरेस्ट टू पावर बी ओवर एक्स रेस टू पावर ए अब मैं एलसीएम कर लेती हूँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे आपका एक्स बी आ जाएगा और यहाँ भी एक्स बी ओवर ओवर में तो एक्स बी कहा ले जाऊंगी मैं ऊपर और अगर आप एलसीएम करेंगे तो एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी. सिमिलरली ये एक्स सी न्यूमिनेटर में ले जाइए और नीचे एक्स सी, एक्स बी एक्स ए और लास्ट एक्स ए यहां भी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी क्लियर तो ये आपका एलसीएम कर दो फिर से फिर से क्या हुआ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी. और ऊपर भी एक्स ए एक्स बी और एक्स ही बच रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया कैंसल आउट वाई कितना होगा? डिफरेंशियन पूछिए कितनी हो जाएगी Constant term की differentiation आपकी वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थ्री माइनस टू टेंजेंट थीटा टू प्लस थ्री टेंजेंट थीटा फाइन डी बाई बाई डी एक्स सेम क्वेश्चन है इसको भी पहले ठीक कर देते हैं अगर मैं कॉट इनवर्स को वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स लिख लू तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा ठीक है ऐसे हो गया अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है क्योंकि टेंजेंट का मुझे फॉर्मूला पता है तो अगर मैं गिवन इसको पूरा डिवाइड करूं थ्री से और इसको भी या फिर सिंपल मल्टीप्लाई करो इसको थ्री से और डिवाइड करो थ्री से तो क्या हो जाएगा टू बाय थ्री प्लस टेंजेंट थीटा और ये वन माइनस टू बाय थ्री टेंजेंट थीटा ऐसा हुआ और बाहर था टेंजेंट इनवर्स क्लियर अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कौन सा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई क्लियर अब अगर एक्स टू बाय थ्री है और वाई मेरा कितना है टेंजेंट थीटा है तो फॉर्मूला बन गया देखिए एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई तो डालते थे यहां तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू टेंट इनवर्स एक्स टू बाय थ्री प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाई ये है आपका तो ये हो गया कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स टू बाय थ्री प्लस थीटा क्लियर और तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो और इसकी कितनी हो जाएगी वन दैट इज फाइनल इज वन क्लियर है नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला ये दिया है इक्वेशन हाइपरबोला की इसको ऐसे लिख लीजिए सिक्सटीन एक्स स्क्र माइनस नाइन वाई स्केयर ओवर वन फोर्टी फोर यहां भी वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा एक्स स्केयर बाय नाइन वाई स्केयर ओवर सिक्सटीन इज इक्वल टू वन अब आपको पता है पहले वाला क्या होता है ए स्केयर होता है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन आपको वॉटेसिस पूछे है जिसमें आपका ए स्केयर कितना है नाइन है तो ए कितना हो गया प्लस माइनस थ्री दैट मीन्स जो हो गए प्लस माइनस ए जीरो होता है दैट इज प्लस माइनस थ्री जीरो आई थिंक क्लियर है लास्ट क्वेश्चन देखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट फोर टू सबसे पहले जो आपके पास गिवन गिवन इक्वेशन है उसे मैं सेंटर निकाल देती हूँ कंपेयर करो इसको किससे एक्स स्क्य प्लस वाई स्क्यर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया आपका टू जी कितना है आपका माइनस फोर और टू एफ कितना है माइनस फोर तो दैट मीन्स g कितना आ गया माइनस टू और एफ कितना आ गया माइनस टू क्लियर है और सी कितना है आपका ये वाला है सी सी कितना है फोर है अब वी नो दैट ये आपको ये याद रखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन क्या होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ ऑफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो तो बाकी वैल्यूज तो मैं ला चुकी हूँ सिर्फ एक्स वन और वाई वन की जो मेरे पास गीवन है एक्स वन की कितनी है फोर और वाई वन की कितनी है टू तो ये एक्स वन है एक वाई वन है ये दिए फोर एंड टू तो पुट करिए इसमें कितना हो जाएगा इसकी जगह फोर फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस जी कितना है माइनस टू एक्स प्लस फोर फिर से एफ माइनस टू वाई प्लस वाई वन कितना है टू प्लस सी सी आपका फोर है तो करिए कितना होगा फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस टू एक्स माइनस एट माइनस टू वाई माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो आपका हो गया टू एक्स इसको सॉल्व करके टू एक्स हो गया और ये आपके कैंसल आउट एंड लास्ट माइनस एट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू फोर तो फाइनल इज एक्स इज इक्वल टू फोर क्लियर है आज के लिए इतना ही डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू वेरी मच